सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किए हुए हैं कि इनमें आपको पूरे चैप्टर की फील आएगी, कंप्लीट फील होगा कि आपने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेक्टर वेलोसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने बोला देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन क्या है, इसने दिया हुआ है दिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, बोले कि ये एक प्लेन है और इसके नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। ठीक, वो आपकी मर्जी, आप किधर भी मान सकते हो। ठीक है ना, अ कंडक्टर एबीसी हैज अ लेंथ ए बी इज इक्वल टू एल वन एंड बी सी इज इक्वल टू एल टू। ये लेंथ एल वन है और ये लेंथ एल टू दी हुई है। ठीक, एबीसी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसमें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए किसके प्रोपोर्शनल है, ए और सी के बीच में, किसी वेलोसिटी से मूव करता है ये। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी से, इस तरीके से मूव करता है कि वेलोसिटी का जो है एक्स डायरेक्शन में वी एक्स वेलोसिटी होती है और वाई डायरेक्शन में वी वाई वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, इस तरीके से ये मूव करता है। अब आप ये देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है ना, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वी बी एल। ठीक है ना, वी बी एल। आप ये देखिए, अगर मैं बीसी को देखता हूं तो बीसी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, बीसी लेंथ ऐसे है। ठीक है ना, बीसी लेंथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, वी एक्स से। ठीक है ना, और बीसी लेंथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वी वाई से। तो अगर कोई रॉड अपनी लेंथ के अलोंग ही चलती है, ठीक है ना, तो L और V में एंगल हो जाता है जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे जीरो आ जाती है। लेकिन यहां पे लेंथ में और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल होगा अगर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और लेंथ को लिया जाए। ठीक है ना, तो जो BC रॉड है, ये रॉड है BC, इस केस में मैं मान रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, बीसी लेंथ होगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो वेलोसिटी इस तरफ होगी तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इस तरीके से। ये एक तरीके से मोशनल ईएमएफ वाला फंडा लगा देंगे हम। मान लो ये बीसी रॉड है और बीसी रॉड इस तरफ चल रही है वी एक्स वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट करता होगा, बी इस तरफ वी इस तरफ, तो फोर्स लगेगा। तो यानी कि ये वाला एंड तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फोर्सेस लगेंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, और ये वाली लेंथ है एल टू, यानी कि ये वाली चीज इक्वलेंट हो जाएगी एक ऐसी बैटरी के, ये जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा नेगेटिव नीचे होगा, और इस बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा वी बी एल। और वी कितना यूज कर रहे हैं मैं, एक्स, बी ये रहा और L की जगह लेंगे हम L2। तो ये समझ लीजिए B और C के बीच में लगी हुई बैटरी हो गई। ठीक, अब यही रॉड इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। ठीक है ना, अब आप देखिए, अगर यही रॉड इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो B इस तरफ और पार्टिकल चल रहा है इस तरफ, फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव पार्टिकल पे इस तरफ फोर्स लगेगा और इस तरफ तो कहीं शिफ्ट होने के लिए स्पेस है ही नहीं, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होंगे। इसलिए इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है वी वाई, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस रॉड के केस में। ठीक, अब सेकंड वाली रॉड पे आ जाते हैं। सेकंड वाली रॉड ये है, ये रॉड आपकी ए बी रॉड है। अब ये रॉड इस तरफ चल रही है वी एक्स वेलोसिटी से और इस तरफ चल रही है ये VY वेलोसिटी से। पहले देखते हैं VX का क्या इफेक्ट होता है। B इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी कि यहां पे इसके अंदर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे उन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन यहां पे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए पार्टिकल अपनी जगह से शिफ्ट होंगे ही नहीं। इसलिए इस तरफ मूवमेंट से, इस तरफ मूवमेंट से रॉड के
अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखते हैं इस वाली वेलोसिटी को, ठीक, बी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, बी इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। अगर फोर्स इस तरफ लगेगा तो पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर जाके इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंड तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पार्टिकल इधर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि इस वेलोसिटी की वजह से ये वाली रॉड, ठीक है, एक ईएमएफ जनरेट कर लेगी अपने अंदर, इधर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर की साइड नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रॉड इक्वलेंट होगी, ये वाली रॉड इक्वलेंट होगी एक ऐसे अरेंजमेंट के, ये तो ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर अब इसका ईएमएफ कितना होगा, कौन सी वेलोसिटी की वजह से हुई है, वी वाई की, तो वी वाई बी इंटू लेंथ क्या है इसकी, एल वन, ये ईएमएफ होगा। अब इन दोनों को अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ दिया जाए, आप खुद देखो इन दोनों को एड कर दिया हमने, यानी कि सी पॉइंट ये रहा, एक बैटरी ये रही, और बी पॉइंट ये रहा, एक बैटरी ये रही, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आप देखिए इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि वी एक्स बी एल टू माइनस वी वाई बी एल वन। अगर बी कॉमन ले लिया जाए तो वी एक्स एल टू माइनस वी वाई एल वन ये आएगा, तो ऑप्शन सी ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा यहां पे, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ईएमआई के कॉन्सेप्ट के साथ ब्लेंडिंग है प्रोजेक्टेड लेंथ के कॉन्सेप्ट की। प्रोजेक्टेड लेंथ का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए इसने बोला अ वायर फॉर्मिंग वन साइकिल ऑफ साइन कर्व व्हिच इज मूव्ड इन एक्स वाई प्लेन विद अ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये वाली वेलोसिटी ये है यहां पे वेलोसिटी। देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड बी, जहां पे बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बी की वैल्यू माइनस बी नॉट इन के डायरेक्शन, ठीक है ना, के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस, माइनस बी नॉट इन के डायरेक्शन, ये होगा। फाइंड द मोशनल ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द एंड ऑफ पी क्यू वायर, इसने बोला पी क्यू वायर के एंड्स में, के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा ये बताइए। अगर ये वाली स्ट्रक्चर एक्स डायरेक्शन में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में इस स्ट्रक्चर की वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब आप देखिए प्रोजेक्टेड लेंथ का मीनिंग क्या हुआ, ये वाले स्ट्रक्चर ऐसी है, यू हम पहले केवल एक्स डायरेक्शन में चलाते हैं इसको, हम इसको केवल एक्स डायरेक्शन में चलाते हैं, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक्स डायरेक्शन में चलाता हूं इस तरफ, तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक की जो वायर है ये वाली, अगर इसको पकड़ के ऐसे चला जाए तो ये वाली वायर इस वायर के इक्विवेलेंट है बस, ठीक है, और यहां से लेके ए से लेके बी तक की वायर, ठीक है, और बी से लेके डी तक की वायर इस वाली लेंथ के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इस तरफ चल रहा है वी एक्स वेलोसिटी से, ठीक है ना, और ये वाली वायर डी से लेके ई तक की वायर इस वाली लेंथ के इक्विवेलेंट है, ठीक। आप देखिए ये वाली वायर सेक्शन वन ले लो इसको, ये सेक्शन टू हो गया और ये सेक्शन थ्री हो गया, सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री, ठीक। यहां पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरफ चलाता हूं तो ये इस लेंथ के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, यहां पे ये वाली लेंथ है समझ लीजिए ए बी, मैं इसको इस तरफ चला रहा हूं तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट है समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस तिरछे पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दिस और दिस। अगर ये वायर इस तरफ चलेगी तो कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन ये वायर इस तरफ चलेगी तो वीबीएल डेवलप हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट है अगर ये ऐसे चलती है, और अगर यही यही स्ट्रक्चर इस तरफ चलेगी तो यही स्ट्रक्चर फिर इस लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगी।
अगर ये वाली स्ट्रक्चर आप इस तरफ चलाओगे तो ये वाली स्ट्रक्चर इस लेंथ के इक्वलेंट हो जाएगी, क्योंकि यही प्रोजेक्टेड लेंथ है। तो वेलोसिटी को अगर इस तरफ रखोगे तो ये वाली लेंथ वर्क करेगी, और वेलोसिटी को आप इस तरफ रखोगे तो ये वाली लेंथ वर्क करेगी। ठीक, तो एक्चुअल में हमारे पास ये जो चार सेक्शन है, तीन सेक्शन है 1, 2 और 3, इन तीन सेक्शन का हम अब कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। ठीक है ना, ए बी सेक्शन अगर इस तरफ चल रहा है तो समझ लीजिए एक इतनी लेंथ की जो वायर है वो इस तरफ चल रही है। ठीक है ना, अब इतनी लेंथ की वायर अगर इस तरफ चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो बी तो इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर, यानी कि यहां पे ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा या नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं यू, तो ये वाला सेक्शन समझ लीजिए एक ऐसी बैटरी के इक्विवेलेंट हो गया ये। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऊपर बन गई, नेगेटिव नीचे बन गई, तो ये ऐसी बैटरी के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, तो ये बैटरी हो गई और इसका ईएमएफ कितना हो गया, मान लो ये वाली लेंथ है एल, तो इसका ईएमएफ हो गया वी बी एल, और वी की जगह क्या होगा वी एक्स। ठीक, अब इस सेक्शन की बात करते हैं, इस वाले सेक्शन की बात करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये इस लेंथ के बराबर है, ये इस तरफ चल रहा है, इस केस में भी बी इस तरफ होगा, ये वाले सेक्शन की बात करो, ये इस तरफ चल रहा है वी एक्स से, तो बी इस तरफ है, वी इस तरफ है, इसमें भी पॉजिटिव साइड ये वाली हो जाएगी, नेगेटिव ये वाली साइड हो जाएगी, यानी कि ये वाला सेक्शन भी किसके इक्विवेलेंट होगा, ये एक ऐसी बैटरी के इक्विवेलेंट होगा यहां पे, और इसका ईएमएफ होगा 2L, क्योंकि ये वाली लेंथ अगर एल ले ली आपने तो ये भी एल होगी 2L, तो ये वाला ईएमएफ होगा वी एक्स बी इंटू 2L के। ठीक है, और ये वाला जो नया सेक्शन है ये भी इस तरफ चल रहा है, जो नया सेक्शन है ये वाला सेक्शन भी इस तरफ चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से वी एक्स से, तो इसमें भी ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाला सेक्शन भी एक टाइप से इस वाली बैटरी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसका ईएमएफ हो जाएगा वी एक्स इंटू बी इंटू एल, तो इसका ईएमएफ अगर ई होगा तो इसका 2E होगा और इसका ई होगा। आप देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेट ईएमएफ आ जाएगा यहां पे 0। ठीक, तो इस डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी है वी एक्स में, तो इसकी वजह से डेवलप्ड ईएमएफ कितना होगा 0। ठीक, अब देखते हैं वी वाई का इफेक्ट। अब यही वाली स्ट्रक्चर है ये, अगर इस चीज को हम इधर चलता हुआ मानते हैं तो यहां से लेके यहां तक का सेक्शन तो इस लेंथ के इक्विवेलेंट हो गया, और यहां से लेके यहां तक का सेक्शन इस लेंथ के इक्विवेलेंट हो गया, और यहां से लेके यहां तक का सेक्शन इस लेंथ के इक्विवेलेंट हो गया यू। अब ये लेंथ किस तरफ चल रही है, इस तरफ। ठीक, ये वाली लेंथ अगर मैं कुछ मान लू डी, अगर ये वाली लेंथ को मैं डी मान लेता हूं, या ये वाली लेंथ तो यहां पे लैम्डा बाई 4 के बराबर है, ये टोटल तो लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 4 के बराबर है, तो आप देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई है, तो ये वाली चीज अगर ये वाली लेंथ इस तरफ चलेगी तो ईएमएफ होगा वी बी एल, वी बी एल की वैल्यू कितनी होगी वी वाई इंटू बी इंटू एल की जगह आएगा लैम्डा बाई 4, और अगर बी इस तरफ है और बॉडी चल इस तरफ रही है तो प्लस इस तरफ होगा, माइनस इस तरफ होगा, तो ये वाली चीज एक टाइप से ऐसी बैटरी के इक्विवेलेंट बन जाएगी जिसमें ये वाली पोलैरिटी मिल जाएगी आपको, पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ। ठीक, अब इस वाली लेंथ को देखिए, ये वाली लेंथ अगर इस तरफ चलेगी वी वाई से, ठीक है ना, तो बी तो अंदर है, लेंथ चल रही है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव होगा इस तरफ, यानी कि ये वाली लेंथ जो यहां से लेके यहां तक की, ये वाली लेंथ एक ऐसी बैटरी के इक्विवेलेंट बन जाएगी, और ईएमएफ होगा वी वाई बी इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये वाली लेंथ लैम्डा बाई 2 के बराबर है, ये लैम्डा बाई 2 लेंथ है, ये लैम्डा बाई 4 लेंथ है, और ये भी लैम्डा बाई 4 लेंथ है। अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ को देखो, ये ऊपर चल रही है वी वाई वेलोसिटी से, तो ईएमएफ की वैल्यू होगी वी वाई इंटू बी इंटू लैम्डा बाई 4। ठीक, और अगर अंदर है ऊपर से तो प्लस इधर ही होगा, यानी कि ये भी इसी साइड होगी। आप देखो तीनों की तीनों बैटरी की पोलैरिटी सेम है, प्लस प्लस और प्लस, तो तीनों के ईएमएफ जुड़ जाएंगे, यानी कि वी वाई बी इंटू लैम्डा बाई 4
प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वी वाई बी इंटू लैम्डा, ये ईएमएफ हो जाएगा इसका और ये यहां पे आंसर होगा, और यहां पे इस डायरेक्शन में आंसर ये होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से तो ईएमएफ जीरो होगा दोनों एंड के बीच में, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से ईएमएफ होगा वी वाई बी इंटू लैम्डा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे वाला। देखिए ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि एक ट्रायंगुलर वायर, एक ट्रायंगल बना हुआ वायर की हेल्प से, और उन वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे ये ए बी वायर हुई, ये बी सी और वो सी ए, ठीक है ना। इन्होंने दिया हुआ है कि डी बी बाई डी टी की वैल्यू, डी बी बाई डी टी की वैल्यू है रूट थ्री, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा अगर साइड ए बी का रेजिस्टेंस 1 ओम है, बी सी का 2 है और सी ए का भी 2 है, ठीक है। अब इन्होंने जो ये ट्राइंगल है इसकी साइड लेंथ कितनी दी है, 2 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है यहां पे, ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है, इसके ये पॉइंट ए और बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ठीक है। जबकि ये चीज एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। अब आप देखिए, अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ होता है विद माइनस साइन, ये हो जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कॉन्स्टेंट है, और एरिया कितना होगा इसका, देखिए अगर साइड लेंथ रूट टू है, ये वाली साइड लेंथ 2 है, तो ये वाली हाइट होगी रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू 1 ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया केवल रूट थ्री हो जाएगा, तो रूट थ्री इंटू डी बी बाई डी टी की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी रूट थ्री दी हुई है, रूट थ्री हो गया, यानी कि 3 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 3 वोल्ट होगा यहां पे, ठीक। यानी कि इस पूरी वायर को अगर आप सर्कुलेट कर दो ऐसे करके, तो यहां से लेके अगर यहीं तक चल के वापस आ जाएगा तो 3 वोल्ट आ जाएगा, और तीनों साइड इक्वलेंट है, इसका मतलब तीनों साइड का ईएमएफ बिल्कुल सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसी स्ट्रक्चर में, ठीक। अगर टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट की बैटरी ये होगी, 1 वोल्ट की बैटरी ये होगी, और 1 वोल्ट की बैटरी ये होगी, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस 3 वोल्ट है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 3 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा, ई बाई आर, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/5, क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो होगी, करंट अगर ऐसे फ्लो होगी तो ये रेजिस्टेंसेस सारे के सारे सीरीज में है, तो 2 एंड 2 एंड 4, 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट की वैल्यू होगी 3/5। अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आप किरचॉफ लगा दीजिए, करंट चल रही है इस तरफ आई, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस आई आर, यानी के 3/5 इंटू 1 प्लस का 1 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हो गया 3/5 माइनस 1 माइनस का 2/5, यानी के माइनस का 0.4 वोल्ट। तो यहां पे आंसर, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4 वोल्ट, यही आंसर है, 2/5 मतलब माइनस का 0.4, यही यहां पे आंसर है, ठीक। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है जिसकी साइड लेंथ है डब्ल्यू एंड एल, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता रहता है, और इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना, और ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें करंट भी फ्लो होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कराया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन एल एंड W, यानी कि हमारे पास अगर एक लूप है इस तरीके का जिसकी ये वाली डायमेंशन तो W है और ये वाली डायमेंशन L है, ठीक है ना।
ये इस तरफ मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है ना। अब यहां पे एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी ये वाली लेंथ 3W के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर इसको यहां से पास होना है, इसमें से निकल के यू जाना है, ठीक, तो पहले इस लूप का थोड़ा सा एरिया इंसर्ट होगा इतना, ठीक, फिर थोड़ा और ज्यादा होगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि ये पूरा पूरा लूप इसके अंदर होगा और फिर लूप इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो पहले तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर जब ये लूप पूरा अंदर चला जाएगा वो कॉन्स्टेंट चलेगा इतनी देर तक, ठीक, और जब ये लूप इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा फिर उसमें से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब मान लो टी इज इक्वल टू जीरो पे इसने एंटर होना शुरू किया है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं पास होने वाला फ्लक्स वर्सेस टाइम का, ठीक है ना, तो इसको मान लीजिए डब्ल्यू डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगता है टी, ठीक है ना, टी नॉट टाइम लगता है इसको डब्ल्यू डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक। तो मैं यहां पे टी नॉट टू थ्री फोर, टू टी नॉट थ्री टी नॉट फोर टी नॉट, ऐसे करके मैंने टाइमिंग डाल दी है। तो जैसे ही टी इज इक्वल टू जीरो पे ये एंटर हुआ, थोड़ा सा एंटर हो गया, तो इसका कुछ पोर्शन है जो इसके अंदर चला गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अंदर इंसर्ट होते जा रहा है, तो एरिया इंक्रीज होता जा रहा है कॉन्स्टेंट रेट से, ठीक। तो फ्लक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा, कब तक, जब तक पूरा का पूरा इंसर्ट नहीं हो जाता, ठीक। जब पूरा इंसर्ट हो जाएगा फिर ये इसी में चलता रहेगा कॉन्स्टेंट रेट से। अब आप देखिए W डिस्टेंस अंदर जा चुकी है, W डिस्टेंस अंदर जा चुकी है, अब अगर ये आगे चलता रहेगा ये वाली डिस्टेंस, तो ये 2W तक आगे चलता रहेगा यूं, ठीक। W डिस्टेंस तो जब ये पूरा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो T नॉट टाइम पास हो चुका है, अब ये डिस्टेंस 3W है, ठीक है ना, तो 3W डिस्टेंस में अभी 2W आगे बचता है, तो ये ऐसे चलता रहेगा यूं, 2W आगे चलेगा, 2W मतलब 2T डॉट तक ये कॉन्स्टेंट रहेगा फ्लक्स इससे पास होने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर है इसलिए जितना भी फ्लक्स है वो पास होता रहेगा। अब जैसे ही टाइम 3T नॉट हुआ उसके बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट रेट से फ्लक्स इससे पास होते हुए डिक्रीज होने लगेगा, तो यहां से ये फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया। अब इसी को देख के, इसी पर्टिकुलर ग्राफ को देख के हम बाकी के सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आराम से। किस तरीके से, देखिए अगर मैं d phi by dt लेता हूं और इसके सामने माइनस लगा देता हूं तो EMF आ जाता है। d phi by dt एक्चुअल में क्या है, phi t ग्राफ का स्लोप है, ये तो स्लोप है किसका, phi और t ग्राफ का, और phi और t ग्राफ का यहां पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन सामने माइनस लगाना पड़ेगा, ये स्लोप पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे जो EMF आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये रहा, ठीक है ना, ये आ गई EMF की वैल्यू। उसके बाद फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहा यानी कि स्लोप जीरो रहा, स्लोप जीरो रहा तो EMF जीरो रहेगा, यानी कि यहां से यहां तक EMF जीरो आएगा, ठीक। फिर स्लोप नेगेटिव है पर कॉन्स्टेंट है, अगर स्लोप नेगेटिव है सामने एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहां पे EMF पॉजिटिव रहेगा। ये EMF वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, खैर चलिए। स्केच द फ्लक्स इंड्यूस EMF एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। देखिए अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी, और वी तो कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस का और टाइम का वेरिएशन बिल्कुल सेम है, तो इस वाली एक्सिस को आप डिस्टेंस से भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिहेवियर बिल्कुल यही रहेगा, यही डिस्टेंस है, ठीक। और फोर्स होता है यहां पे जो भी लगेगा, देखिए EMF ये हुआ, करंट कैसे निकालोगे, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो नहीं आ जाएगा। अब फोर्स जब निकालते हैं तो इसमें स्क्वायर करना पड़ता है आई का स्क्वायर करेंगे तो जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। तो नेक्स्ट वाला ग्राफ क्या है, ये नीचे की वाली चीज है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये जीरो रहेगा और ये वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी, तो ये वाला
आपका थर्ड वाला ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपके आंसर आ गए, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया कि तीन सर्कुलर सेक्शन है वायर के, ठीक, किस तरीके से है तीनों सेक्शन। थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको व्यूज ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, तो एक टाइप से ऐसा सेक्शन है, एक वायर तो यहां से लेके इस वाले प्लेन पे यू, इसको सी बी बोला गया है, ठीक। तो ये वाला एंगल 90 होगा, इस वायर की लेंथ होगी 2πr/4, 1/4 सेक्शन है ये। एक वायर यहां पे होगी ऐसे, ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल लेंथ की होगी, ये भी एंगल कितना है 90, और एक वायर सी, तो ये हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ ए, और एक वायर सी से ए तक जुड़ी होगी ये वाली, ठीक है ना। ये वाली वायर भी बिल्कुल आइडेंटिकली होगी, तो आप देखो ये वाली वायर तो ऐसी है, ये वाला चल रहा है इस पे, तो यहां पे ये वाली वायर का प्लेन ऐसा है वर्टिकल, और यहां पे इसका प्लेन ऐसा है यू, ऐसे सेक्शन है ये वायर के। अब आप देखिए ये बोल रहा है कि जो बी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है बी, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो ये वाली हुई, यानी कि बैक साइड से यू निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस वाले सेक्शन से यू निकल के आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो एक्चुअल में अगर उधर से देखा जाए, उधर से अगर यू निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल इस वाले लूप से पास हो रहा होगा, और किसी लूप से पास हो ही नहीं रहा होगा, ये वाला लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आता है, बाकी यहां से तो यू पास हो जाएगा यू, और यहां से ऐसे पास हो जाएगा, पर इसमें होगा, यानी कि उसके सामने जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है पाई आर स्क्वायर बाई फोर, यानी कि केवल ये वाला एरिया ओ सी बी, ठीक। ये तो एरिया हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया डी बी बाई डी टी, वो उसने दिया है 3×10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। तो आप देखो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ईएमएफ होगा डी बी बाई डी टी इंटू ए, ईएमएफ होता है विद माइनस साइन, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई पाई आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है आर, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻³। तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.4×10⁻⁵, क्योंकि पाई इंटू 3, ठीक है ना, 3.14 × 3 9.5 के आसपास हो जाएगा, 9.56 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2.4×10⁻⁵ आ जाएगा। यही इसके ए पार्ट का आंसर है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। सेकंड पार्ट के लिए क्या देखना है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में बोला गया कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी अगर पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। आप खुद देखिए इस डायग्राम में देखा जाए तो इधर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ से अगर देखा जाए तो लेंज लॉ ये कहता है कि कोई चीज जिसकी वजह से जनरेट होती है उसी का अपोज करती है। तो इसमें जो करंट होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस तरफ इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम करे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। किसकी वजह से, जो इंड्यूस करंट की वजह से जनरेट होगा, और इंड्यूस करंट की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होना है तो करंट होगी इस तरफ, क्योंकि यू तो मैग्नेटिक फील्ड यू होगा, राइट हैंड यूज करना है, करंट ऐसे होगी तो करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो ये वाली करंट होगी, यानी कि इसमें करंट ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो सी पार्ट का आंसर हो जाएगा C2B।